वो भाई दो कसूते सुलप ची, आछी चलम बठारे सुलफेगी, और दिल्ली चले गए इंडिया गेट देखण। और दूर ते एक जना ने बोला, रे बात सुने, ये काम अड़ांगे तले नोले। ने बोला अच्छा तले नोलिए। ने बोला इब भी अड़ांगे गोड्या का बड़ो लिए, इब भी अड़ांगे कोणिया का बड़ो लिए। यह हरकत उनकी देखने लग रहा था एक पुलिस वाला भी। उन्हें सोचिए क्या बदतमीजी कर रहे हैं भाई। उन्हें जाकर ने एक दड़ मारे शर्म डंडा, डंडा लागते ने बोला देखिए कहूं धना अड़ांगे। एक भाई एक ताऊ एसी बस में बैठ लिया, ये वोल्वो चल रही है आजकल एसी बस, एसी बस में बैठ लिया। अरे ताऊ की तो आदत, उन्हें तो बैठते ही बीड़ी चाय दी, और आगे तो कंडक्टर लागे कह उन्हें, ताऊ जी बीड़ी बंद कर दे नीचे उतर के पी ले। ताऊ क्या न मानने, पांच पीछे की एक बीड़ी हो रही है भाई, सड़ 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 दो कसूर गाड़ दिए। फिर उन्हें कही कंडक्टर ने, बोला ताऊ बीड़ी बंद कर दे नीचे उतर के पी ले। इतनी बार में दो कसूर मार दिए। ने बोला ताऊ तूने सुनी नहीं, बीड़ी बंद कर दे नीचे उतर के पी ले। ने बोला रे क्यों चेंगे रे छोरे, अपनी बस चलवा लेने, तेरा फूफा तले खातर साबित मंडल और ले रहा, तले की चिंता क्यों कर रहा है। सूबेदार साहब पैग मान लाग रे, अरे सूबेदारनी बैठी बैठी अखबार पढ़, अरे अखबार पढ़ती पढ़ती ने बोली देखे जाए रे, अखबार में भी नुआ रही है, घनी दारू पीना ना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सूबेदार को लिए थे नशे। ने बोला अच्छा कल से बंद वो होगी राजी। बोला अच्छा कल तो दारू बंद। ने बोला ना यो अखबार। बाबा हमारे काम में तो बूढ़ा ताऊ रोज तक चला गया यूनिवर्सिटी में, और उड़ा छोरी यहाँ के हॉस्टल दौरे के लकड़े था, ऊपर तक छोरी नंग आई कर ली। ने बोली ताऊ तेरे ऊपर थूक दूं है बिला बावली, ओड बड़ी शाणी पड्डी लिखी हो क्या ना तू, बड़े आदमी पे तेरे बाप की दया का मैं थूक क्या करे बावली। दूसरी ने बोली, बोला ताऊ तेरे ऊपर पानी गेर दू। ने बोला ए बावली ना होली ना फगण ना मैं तेरे नेग का है पानी गेर यार। तीसरी ने बोली ताऊ मैं तेरे ऊपर डाक मार जा। ने बोला क्यों बकाओ है छोरी। गांव में सुंडू कसूता काला, और भाई शक्ल का भी बहुत बूंदा गणा कसूता काला, और सारी अण शीशे अग खड़िया रे राकस, सारी अण शीशा देखे जा। एक बहु उसने की तो समझाने समझाना पड़ गया। ओ भाई अपना झोला हा लेकर नरबस में बैठ लिया, और डैकी झोले में शीशा ले रहा, और बस में बैठकर वो खोल गया झोला और शीशा काट के नर देख कर निबला रे। ओहो हो अरे सुंडू, अरे तू इतना सथरा, अरे एक दिन तने काल खा जाएगा। भैया बात पाछे ने बैठा था एक बूढ़ा, वो भी सुने था। ने बोला मेरे ससुरे जब काल तन्ने खागा इस तरह अच्छा तो गोबर ना खा लेगा। एक बार भाई अपना ताऊ नथु शहर में चला गया, और उड़े गलती ते ये पीवीआर सिनेमे चल रहे हैं आजकल, उनमें कई कई डाल की फिल्म एक कब दिखे हिंदी भी अंग्रेजी भी, और उनकी गेलिया होगी रोल, और वो गलती ते अंग्रेजी वाले में बढ़ गया। और भाई वो अंग्रेजी फिल्म देख है इबाकन अपनी टोर बनाने के चक्कर में, और गांव में आके ने बोला भाई आज तो बोला मैं अंग्रेजी फिल्म देख आया हूँ। बड़कन सोची यार यो आदमी बोला अंग्रेजी फिल्म देख आया। ने बोला तू अंग्रेजी फिल्म तू देख आया? बोला हाँ भाई मैं कती अंग्रेजी फिल्म देख आया हूँ। बोला फिर वह फिल्म चाली जब तेने के करा? ने बोला मैंने गुद्दी के सारे शाही चूस काट दिए। दो शराबी भाई कसुत्ते शराबी रेल में बैठ लिए, थोड़ी दूर चले पाछे रेल रुक गई, दोनों तले उतरे। एक जना ने बोला मने ईसा लग गया है कहीं मैं पंचर हो गया। दूसरे ने कहा बैठ मारे थप्पड़। ने बोला कह दे गए बच्चे पंचर ना हो रहा, तेरी आंख फूट रही है गे देखिए, ये तो टायर टीप दोनों चीजा ने कोई काट ले गया। एक भाई अपने गांव का एक ताऊ फुटबॉल का मैच देखने चला गया, इब स्टेडियम में बढ़ गया, उन्हें बेचारे ने पहला कदे फुटबॉल का मैच देखा नहीं था। भाई फुटबॉल का मैच शुरू हो गया, वे नून तो लात मार दे, वे नून तो लात मार दे, और बाजे बाजे हंड है। ताऊ का मैं समझ में ना आओ, ताऊ हो गया दुखी। ताऊ बराबर वाले था, इन्हें बोले अरे ये कर के रहे हैं, ये के करना चाहे हैं? तो बराबर में था उन्हें बोला जी ये गोल करना चाहे हैं। बोले अरे गोल तो पहले है ना बतेरी है।
एक बार एक आदमी की मैंस खूगी, मैंस खूगी तो खियो रहा, सारा दिन कांडन लाग रहा। थाने में गया, जाके पुलिस वाला ताई कंप्लेंट करी, बोला भाई मेरी तो मैंस खूगी। बोले भाई साहब मैंस तो खूगी, फिर उन मैशा ने हम पछाणा गए क्यों कर, कोई पछाण बताओ। बोला भाई पछाणे, हाँ बोले एक पछाण है भाई। बोला बताओ जी के पछाण है। बोला भाई पछाण है, बोला मारी मैं सारे दिन पूछ लाए जा है। एक आदमी पुलिस तक को सूता डरिया करता भाई, और वो शहर में चलिया गया। उन्हें दो पुलिस वाले दिख गए, दिखते उल्टा मुड़के बाज लिया, और वो देख पुलिस वाले ने भी लिया। उस्ताद गए पाए देख दिया, बोले उरे ना आ जा, तो उरे ना आ जा, बुला लिया। दोरा जामते एक मारा बैठते ही, तो उन्हें बोले बोले हाँ भाई न्यू तो बताओ मेरा कसूर के है। बोला कसूर तू छह महीने ना करे हमारे खड़े रहेंगे। एक वो भाई एक ताऊ शोले फिल्म देखने चला गया, और फिल्म वो सीन चल रहा, गब्बर कहने लग रहा उन्हें, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। जब उन्हें दो तीन बार कह ली ना, जब ताऊ खड़ा होकर बोला रहा ओ कमशले भगवान ने दो हाथ तेरे ताई पहले दे रखे हैं, दो ही के और लेगा के तू शेरा वाली माता बनेगा। भाई दो डब्बी थे कसूते, और कसूते दारूबाज थे, घनी दारू पिया करते। उनका भाई रिश्तेदार ने फलाने ने गांव वाले ने मिलजुल कर राछे जूत जात मार के ने, और उनकी दारू दी छटुआ। थोड़े दिन तो छोड़े रहे, थोड़े दिन पाछे भाई फिर उनके खुणखुणी उठी, अको हो घने दिन हो लिए न। बोले अरे सुरते, बोले हाँ भाई बरतू बता। बोले मेरे यार न्यू करे न एक क्वार्टर मार लिया, अरे एक क्वार्टर ने तो नू माड़ा माड़ा पी लेंगे की ने बेरा लग गए। बोले दोनों जने एक क्वार्टर दाए बिले, और दोनों जने आधा आधा गए पी पी के, दोनों जने करे गया घर अपने। अरे घर जाए पास उनकी घरवाली बोली ऐ मना जी सा लग गया तुम दारू पी का रहे हो। बोला बावले यार ये दारू पी का रहे, हम दारू छोड़े भी हमने डेढ़ महीना हो लिया, हम दारू पिया ही नहीं करते ना। बोला तुम आज दारू पी का रहे हो, मुंह सुंगाओ। बावली अरे मुंह सुंगाओ, दो दो घुट पी का ही ना तू सुंग जाइए। एक वो भाई बाहर के चार पांच आदमी आ रहे गाड़ी में, और गाल में का कसूता खाचा उनकी गाड़ी दस गई घर में, और भाई छक्का हंगा ला लिया वा गाड़ी लिखड़ी है कोने। एक डेढ़ घंटे पाछे एक जमा मरिया सा सूकड़ा सा बालक जान लग रहा उड़ी के, न बोले रे गबरू एक बार लवाओ न भाई हाथ या गाड़ी लिखड़ जाते। उन्हें भी सोची लिया भाई लवा दे कोई बात ना, वो भी लग गया हंगा लवान। और भगवान की करनी सी हुई उन हाथ लाया वा गाड़ी लिखड़ गई, तो उन्होंने देख बैठा था। उन्हें बोला बोला भाई साहब आप मत बड़ी जान है के खाया करो। बोला भाई मैं तो घी बूरा है और डंडांड काजू बादाम पिस्ते ये खाता हूं। वो छूटता है ने बोला भाई खाता रहिए ना तो मर जाएगा। दो दोस्त थे भाई, एक दिन बोला बोला भाई नू बता घड़ी में और लुगाई में के फर्क हो से। बोला भाई रे बात सुन ले गणा फर्क नहीं होता, घड़ी जब बिगड़ जाए जब खड़ी हो जाए, और लुगाई जब बिगड़ जाए जब शुरू हो जाए। एक वो भाई को मोटा हाथ छोरा बस में चढ़ लिया, और बस में भीड़ थी घनी, वो जड़ा खड़ा हुआ उसके बराबर में एक ताऊ बैठा था, और दो तीन डब्बी उसके और चढ़ गए छोरे के, वे खड़े हो गए और अपने कम्मो बात कह रहा हंस पड़े। और वो बाहर आ जब हंसे ना हंसते गा पाद लिकड़ जाए, अरे भाई पाद लकड़ते भूडी आवे बांस, अरे वो बुढ़ा हो लिया दुखी, अरे कई बचे टक बन लिया यो।
जब एक बहुन ने फिर बात की रुए फिर हसे ना तो उठ गया छो अरे खड़ा हो गया ना बोला ओ मोटे है बात सुन बोला हाँ ताऊ जी बोला तना हंसना हो ना तो ऊपर ऊपर तो हंस लिया नीचे तो नहीं हंस दिएगा। एक बार भाई एक ताऊ गांव में बिजली की चोरी कर यार था। एक दिन बिजली वाले आ गए वे मीटर ने चेक वे करण लग गए चेक चाक कर कने ने बोले ताऊ जी मीटर तो बहुत मंदा चल रहा है के बात ही मैं कदे तेल पानी भी दिया करो कि नहीं। ताऊ ने सोची ले आज थे गया पर ताऊ था गणा शैणा ने बोला भाई मीटर ने तो तेल पानी ना दिया रू पर मीटर की बराबर में जो लठ दरिया है ना इन रोज तेल पानी दू हूं। इतनी सुनते बिजली वाले तो काकर काट गए। बाबा ठाडा मीह बरसन लाग रहा अरे गाबरू छोरा मीह में भीजता भाजा 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 हलवाई की दुकान पर गया अरे जाके ने बोला भाई साहब एक आधा किलो जलेबी दियो। हलवाई ने देखा अरे इसे कसूते ठाडे मीह में भाज का आया है वो तो डिटा नहीं गया। हलवाई ने बोला हाँ बेटा तेरा ब्याह हो रहा है ने बोला ना इसे और मीह बरसते में मेरी माँ खंदाओगी मैंने जलेबी लेने। एक भाई और रक्षाबंधन का टाइम और कसूती भीड़ अड्डे के ऊपर छब लग गए सवारियां की बस आ गई भाई बस में चढ़ गई एक बुढ़िया भी चढ़ गई बुढ़िया चढ़ गई बुढ़िया ने बेचारी ने पाछे का चढ़ी एक दुआ ताई कही रे बेटा दिए रे जगह किसने सीट नहीं दी। ड्राइवर ने देख ली शीशे में घर ड्राइवर ने बोला ताई आगे ना आ जा बोनट पर बैठ जा। अरे भाई ताई आगे ने जाकर बोनट पर बैठ गई दो तीन स्टैंड आगे जाए पाछर एक सुथरी ही छोरी चढ़ गई अरे वो छोरी ने देखते हैं अरे वो अभी पाछे के चड्डी देखते हैं चार पांच मलंग आड़ा आ जाओ जी आड़ा आ जाओ जी सारे सीट देर वो बेचारी बैठे को ने वो सरकती सरकती आगे न जाली आगे जाए पाछे ताई बैठी थी ने बोली ए बेटी उड़े क्यों ना बैठ गई और 15-20 साल पाछे तने बोनट पे आना है। एक बार मास्टर जी पढ़ाने लाग रहे और क्लास में बोले बोले बच्चो बताओ सौर मंडल किसे कहते हैं। पाछे ने रल तू बैठा था ने बोला जी मैं बताऊं बोला हाँ शाबाश बता बोला मास्टर जी सौर मंडल उसे कहते हैं जो सोड़ में पड़ा पड़ा पूरा बंडल पी जाए। एक बार एक सरदार ने घना तगाजा और वो बाजा जान लाग रहा राम एक रिक्शा वाला आ गया उन्हें रिक्शा कर ली रिक्शा में बैठ गया रिक्शा वाले बोला भाई जल्दी जल्दी चल मुझे बहुत जल्दी है ने बोला जी आप पागल हो जी सर रोड हुसा में चलना बोला पागल किसे कहता है मुंह संभाल के बात किया करो बोला ना जी मैं ठीक कह रहा हूं मैं आप तो एक सवाल पूछूंगा अगर जब उस सवाल का आपने जवाब दे दिया था मैं पागल और जब ना दिया था आप पागल बोला ठीक है पूछ। रिक्शा वाले ने पूछी जी मारे परिवार में चार आदमी एक मेरी बहू एक मेरा छोरा एक मेरी छोरी चौथा बताओ कौन। सरदार बोला बोला भाई वो तो तने बहुत मुश्किल सवाल पूछा इसका तो मैंने नहीं बेरा बोला जी देखा सोना पागल इतनी एक बात कहमते और सरदार को उठ गया छोरो रिक्शा में तो कूद गया अपने घर गया सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए रिश्तेदार इकट्ठे करके ने बोला यार रिक्शे वाला पागल बता गया मेरे को मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछूंगा अगर उस सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो मैं पागल अगर नहीं दिया तो तुम पागल। वो बोले जी पूछो 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 तो सरदार बोला भाई मेरे परिवार में चार आदमी एक मेरी पत्नी एक मेरा बेटा एक मेरी बेटी चौथा बताओ कौन। सारे सरदार के रिश्तेदार बोले बोला जी वो तो आपने बहुत कसूता सवाल पूछा हमने तो ना बेरा कौन बोला देखा हो ना सारे के सारे पागल मैं बताऊं कौन बोला हाँ जी बताओ बोला चौथा रिक्शा वाला। एक वो भाई एक लाला जी का छोरा भरा हा और जाट का जमा मरिया हा दोनों बाज गया जूत और जूत बाज गया तो भाई लाला जी का छोरा क्योंकि अड़गम तड़गम बढ़ा के ना और वो जाट के को ऊपर बैठ गया और ऊपर बैठा रोवे बराबर का जा था एक उन्होंने बोला अरे मलंगे तू इतना भार हो गई मरे है छोरे के ऊपर बैठा रोन लाग रहा ने बोला मैं तो जहां तो रो हूं यो छोड़ते है मन मारेगा। भाई हमारे गांव के महेशवाल गांव की कहावत से उड़े के आदमी गणे अंडी है वो भाई एक बार तूड़े की ठेली भर के गांव में ले आए गांव में ले आए तो भाई अगर बीड़ी गट्टी आ गई रू बीड़ी गट्टी तो परली काल में उनका घर था सारे के सारे खड़े होकर बताने लग गए ने बोले भाई इवाड़े के ठेली से गाल में न्यू मोड़ कर न्यू लेकर जाएंगे तो घना ही टाइम लग जाएगा तुम न्यू करो एक या भीत दकानी है इन्हें दका दे हाँ अरे ठेली काट के ना उल्टी भीत ने सरका देंगे बन गया अपना काम। अरे भाई सारे के सारे
अपने उतर के ट्रैक्टर पर ते और वो बीतने लग गए दकान और पसीनम पसीना और उन लत्ते भी काट के गेर दिए और गणिये वार होली भाई पसीने आगे उनकी चप्पल रिपटे इतनी वार में को मलंग था उत्साह वो पाछे तो उनके लत्ते भी ठा ले गया। तो एक जने ने भाई नू गणिये वार होली जो पसीना में पां भी रिपटन लाग लिए। जब ने बोला भाई एक बात तो लग गए है बीत गणिये सरक ली लारे क्यों करे बोला पाछे ने मुड़ के देखो अपने लत्ते भी ना दिखते। देखो भाई अपने काम की एक शादी बोली ताई अपनी छोरी के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। इब जानते पहले उसने घर ते अपने चार रोट बढ़िया बढ़िया बाजरे के बांध के धर लिए कदे जहाज मुड़ रोटी रोटी ना मिले केवरा कितना टाइम लाग जा। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए भाई जहाज में तो बढ़िया खाना मिल गया ताई ने वो खा लिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए उड़े उतरे जब एयरपोर्ट तो बाहर आए जब एक बुढ़ा अपने दो तीन कुत्ते ने घुमाने लाग रहा उड़े गए तो छूटती है बोलिए बेटी मेरा वो बैग हा काट के दिए बोला क्या करेगी माँ ए बोला रोटी काट के कुत्ते ने गेरूंगी। एक भाई एक मास्टर क्लास में रामलीला की रिहर्सल कराने लाग रहा और रामलीला में सीन उस टाइम का जब रावण राम ने बतान लाग रहा है कि मैं कितना दमदार आदमी हूं तो भाई कोई भी बालक ढंग तो नहीं कर पाया। तो मास्टर था बेचारा जमा मरिया हा सूकड़ा हा पतला हा उन्हें बोला आराम करो तुमने कुछ नहीं आता मैं करके दिखाऊंगा तुमने जो कर मैं करूं हूं न्यूए करना है तुमने समझे मेरे कन्ना देखो। अरे भाई खड़ा होगा मास्टर जी बोला बोला हे राम तू मेरी ताकत को नहीं जानता मेरे से सारा जगत डरता है सारे देवता और सारे राक्षस मेरे सामने नमन करते हैं। इतनी बात सुनकर पाछे दरलद्दू खड़ा हो गया न बोला मास्टर जी क्यों झूठ बोल रहे है तेरे में 30 किलो तो बोझ है टूटी ही साइकिल पे तू आया करे और तेरे तना डरता कोई। एक भाई एक ताऊ का झोटा बीमार हो गया और उन्हें खेत में जाना बहुत जरूरी बग्गी लेके जानी उन्हें सोच ले पड़ोसी का मांग लू हूं वो पड़ोसी आ गया जाके बोला भाई रे मारा झोटा हो गया बीमार एक बार झोटा दे। उन्हें बोला क्या करेगा अग बग्गी में जोड़ूंगा अग बग्गी में जोड़न खातर कौन है बुढ़ा छूटता है बोला बोला और इन्हें गुड़चड़ी कराने खातर कौन मांग के ले जाएगा। एक भाई कसूता शराबी और रात ने पी प्या के ना गलती ते ठेके में रुक गया इब ठेके वाले तो शटर बंद करके न जाते रहे इब भाई रात ने जब उसकी थोड़ी ही आंख खुली उन्हें देखा ओ हो चुकर दिन दारू धरी है उन्हें देख बोतल काट के ने फिर गटक दी और पी प्या के ने फोन करया फोन करे उन ठेके वाले गए न बोला भाई साहब ठेका किस टाइम खुलेगा उन्हें कही ये बकवास क्यों कर रहा है ठेका किस टाइम वो बेचारा दुखी हो रहा था उन्हें कह भी रहा था कौन भीतर रुक रहा है ना क्यों बकवास कर रहा है ठेके तुम भाग जाए ऐसे वो बेचारा फिर फोन धड़कन है और फिर पड़ रहा थोड़ी बार पाछ उसके फिर नशे है ढीले हुए उन्हें ठाक ने एक बोतल फिर गटक दी और फिर फोन बिड़ा दिया ना भाई साहब ठेका कितने बजे खुलेगा बोला अरे तू गया नहीं बकवास करने लग रहा बंद कर इस फोन ने उन्हें बेचारे ने डरते ने फिर डर दिया और फिर पड़ रहा। पर रात ने 1:30 बजे ही फिर उसकी आंख खुली नशा ढीला होया एक बोतल फिर लागन और फिर फोन कर दिया भाई साहब ठेका कितने बजे खुलेगा न बोला बकवास कर रहा तू इतनी पी रहा है मैं समझ गया तने दारू दूरू नहीं लेनी के करना चाहो तू ठेका कब खुला कब खुलेगा न बोला भाई साहब मैंने दारू न लेनी मैंने तो आपके ठेके में रुक रहा हूं बाहर लिखना है। वो भाई एक संत महाराज अपने तपस्या करने लाग रहा आंख मीच कर हाथ जोड़ कर भगवान तक प्रार्थना करे अगे हे भगवान मने सारी संसार के कष्ट दे दे और कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए हे मेरे मालिक इस संसार की सारी समस्या मने दे दे इस संसार ने कोई भी दुख दुविधा नहीं होनी चाहिए। बराबर के एक ताऊ जा था उन्हें आवाज सुन ली न बोला रे मोडे एक चीज मांग ले ना भगवान तक मेरा ब्याह कर दे बाकी तो सारी गेल अपने आप आ जाएंगी। एक भाई एक बुढ़े ताऊ का दस्त लाग गए और वो गया डॉक्टर दौरे जाके ने बोला डॉक्टर साहब मृग्या कसूते दस्त लाग रहे हैं बोला अच्छा ताऊ जी कितनी बार जाते हो बोला कितनी बार जाता हूँ बेटा न्यू मान ले मैं बैठे रहू हूँ बोला अच्छा ताऊ जी
कैसा दस्त आता है? बोला बेटा दस्त ऐसा हो चाहे करोड़ा कर ले। एक मंदिर के पुजारी के दस्त लाग गए और वो बाजा बाजा गया डॉक्टर दो रहे, डॉक्टर साहब मृग्या मरे तो दस्त लाग रहे हैं, मृग्या मत दस्त लाग रहे हैं। डॉक्टर ने दी दवाई, दवाई दुई लिए पाछे पुजारी बोला, बोला डॉक्टर साहब परहेज। डॉक्टर बोला भाई के करया रे? बोला जी मैं तो मंदिर में पुजारी हूं। बोला भाई तेरा तो एक का परहेज है, घनी जोर ते शंख मत बजाइए। एक वो भाई एक ताऊ शोले फिल्म देखने चला गया और फिल्म वो सीन चल रहा, गब्बर कहने लग रहा उन्हें, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। जब उन्हें दो तीन बार कह ली ना, जब ताऊ खड़ा हो गया ना, बोला ओ कमशले भगवान ने दो हाथ तेरे ताई पहले दे रखे हैं, दो ही के और लेगा के तू शेरा वाली माता बनेगा। एक बार जमा मरिया हा सूकड़ा हर कसूता काला मास्टर और दौड़ा कुर्ता पजामा पार के क्लास में आ गया। आगे क्लास में बोला हाँ भाई बच्चो बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूं? बालक सारे तले ने मुकर कहा से मिले जी रान देने क्यों खाऊंगा है? नहीं नहीं बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूं? पाचे नड़दू बैठा था ने बोला जी मैं बताऊं? बोला हाँ हाँ शाबाश भाई बता। बोला जी आज आप इसे लागो जुनू पता से मकोड़ा बढ़ रहा है। एक भाई एक ताई ने अपने घर परिवार का न्योता दे दिया कि आज भाई खीर बनावांगे और सारे ने खीर खवाऊंगी। यह बात सुनकर सारे राजी हो गए और ताई खीर बनवाने लग गई, हलवाई बुला लिया और वो हलवाई लग गया खीर बनाने। इब ताई बाहर जा और गांव का कोई न कोई टकरा जा, अखताई आज तक खीर बनावे है? हाँ बेटा खीर बनाऊ तेरा भी न्योता है। और मन न मन में न्यू सोच ले कदे खीर थोड़ी रह जाए, और उल्टी आकर हलवाई ने न्यू कह दे भाई कदे खीर थोड़ी रह जाए ना, मैं एक लोटा पानी और गेर दे, और वो हलवाई एक लोटा पानी और गेर दे। यह बात चार पांच बार रिपीट होगी, वह ताई बाहर जा कोई न कोई टकरा जा और उल्टी आकर वो हलवाई ने फिर न्यू कह देगे बेटा एक लोटा पानी और गेर दे कदे खीर थोड़ी रह जा। छह सात बजे कहानी बने पाछे बुढ़िया फिर आई और दूर ते दिखते वो हलवाई खीर के डेग चन ठाकर गाल कर न बाज लिया। वह ताई नु बली रे डट जा किजा है? बोला ताई खीर ने मैं जोड़ में गेरा हूं, सारा गांव गवांड आप खा लेगा। एक वो भाई एक क्लास में मास्टर पढ़ाने लाग रहा है, बोला बोला भाई हाँ बच्चो बताओ हिमालय पर्वत कहां पर है? कोई भी ना बोलिया। तो पाछे रड्डू बैठा था उसका नाथ करके मास्टर बोला हाँ भाई रड्डू बता हिमालय पर्वत कहाँ है? बोला जी हिमालय पर्वत तो मास्टर जी कौन है बेरा जी? है बोला रामखोर। बोला क्लास में सब तपासले उच्चे बेंच पर खड़े हो जाए। ने बोला मास्टर जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो, पासले बेंच पे खड़े हो पाछे के हिमालय पर्वत दिख जाएगा? एक वो भाई एक सरदार घने बारे बड़े खड्डे में पड़ गया और उड़े पड़िया पड़िया किलकी मान लाग रहा, मैनू बचाओ मैनू बचाओ मैनू बचाओ। बराबर के एक जाट राम जा था, उन्हों की आवाज सी सुनी दिखा हाथ को ना के मैं। ने बोला अरे कौन से? ने बोला अस्सी। ने बोला भाई एक आधा हो दे काट दें, अस्सी अस्सी दिन लिख। एक भाई एक बुढ़ला अपने पोते ने गेल ले गए की पार्टी में चला गया, उड़ो भाई एक अच्छे बाहर पेट का आदमी देखा छोरे ने और देख के बोला ओ दादा ये कौन से? वो भाई के बताओ है? उन्हें बोला बोला बेटा यो उद्योगपति से। अच्छा उद्योगपति है ठीक। थोड़ी बार पाछा हांडते फिरते उड़े गए एक प्रेगनेंट लेडी दीगी, ऊँगा भी अच्छा बाहर पेट आ रहा भाई आठ मानो महीना होगा। वो छोरा फिर ने बोला दादा यह कौन से यह कौन से? उन्होंने सोची यो पिटवा होगा। एक और ने ले जाके बोला बेटा यो है पति उद्योग। एक वो भाई जाट राम अपने शिवजी की पूजा कराया करता, अगे हे भगवान मन पांच सात महेश दवा, मन पांच सात महेश दवा, मेरा कुकरे काम गुजारा हो, मेरा काम चले और मन शिवजी बोले पांच सात महेश दवा। ये भाई महेश ते मिली को ने एक दिन उस कुंगर ने एक झोटा गांव का खड़िया दी गया और उसने घेर लिया न्यू मान गया कि वो शिवजी का प्रसाद से और शिवजी ने तेरे ताई झोटा दे दिया ले इससे तक वो बग्गी बाग्गी लेगा काम धंधा चलाऊंगा। ये वो झोटे ने लेकर ना रो मंदिर में चलिया गया, जाकर न उड़ो उसने न्यून न्यून देखा बात सी बनी नहीं, एक अच्छा बढ़िया जेवड़ा उसके गल में बांध के झोटे गए और शिवजी के पाए बांध दिया।
और लियाकन एक बरोटा बरशम गेर दी और अपना को बग्गी बग्गी जुगाड़ करन चलिया गया। इवा बरशम थी इतने तो जोटा उड़ खाए गया, बरशम खत्म हुई और पाछे ने जोड़ था जोड़ पर ने पांच सात महसी दिखी वे रीकिर ने रीखते जोटे ने मारा झटका और सदा जड़ शंकर भगवान ते गिल गिल। और वो जब जुजू पाक लागर जोटा बाजर उसकी ब्रान मट्टी हो रही। इब ऊपर शिवजीर पार्वती देखने लाग रहे। पार्वती बोली महाराज या के बन रही है त्री गेलना? ने बोलिया बाउली तेरा तो तजूरी तजारियां का पाला पड़िया है, किसे दिन जाट राम गेला पाला पड़ गया ना तो तू भी नहीं घसड़ती आंडेगी। बाबा गब्बर सांभा था। इन्हें बोला सांभा कितने आदमी थे? ने बोला सरदार दो। ने बोला भाई मन गिनती नहीं आमती, दो बता कितने हो हैं? बोला जी एक के बाद आता है दो, एक के बाद आता है, फिर एक तो पहले क्या हुआ है? बोला जी एक तो पहले तो कुछ नहीं आता, फिर एक तो पहले कुछ नहीं आता, अरे एक के बाद दो आवा है तो एक और दो के बीच में क्या आवा है? सांभा ने बोला जी एक और दो के बीच में भी कुछ नहीं आता। ने बोला भाई एक और दो के बीच में भी कुछ नहीं आता तो एक दो जो है वो एक से कितना बड़ा है? सांभा बोला जी दो जो है ना वो एक से एक बड़ा है। अच्छा दो जो है वो एक से एक बड़ा है? बोला हाँ जी। गब्बर बोला बोला भाई फिर जब दो एक से एक बड़ा है तो एक एक से कितना बड़ा है? सांभा हो गया दुखी दुखी हो गया। बोला सरदार मन आपका नमक खाया मेरे गोली मार दो। एक बाबा गांव में रिश्ते वाले चले गए और एक का घर छोरा बताया उड़े जाके। बोला चोर साहब राम 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 भाई। बोला जी छोरा बताया। बोला हाँ जी छोरा है। चाह पानी पी ली। बोला जी छोरा बुलाओ। बुलाया छोरा। छोरा अच्छा लांबा ठाडा मरिया हजमा और देख कन और वे रिश्ते वाले नाट गए। बोला ना जी कौन है समझ में नहीं आया। बोला चोर साहब के बात है? छोरे का बाबू बोला चोर साहब के बात है? छोरा देखियो सात फटा छोरा है, अच्छा अट्टा कट्टा है, सात फुट से इसकी हाइट पूरी की पूरी। ने बोला चोर साहब हमने छोरी ब्याणी है पूरे गांव के मंडेरे ना चटवाने ही दे। एक बाबा एक कसूता गच शराबी गणी पिया करता और उसने सांझ ने अपने घरान खातिर एक जुगाड़ बना रखा। अगू का नशे तो जहर ते गणी और वो एक खंबे धोरे ते अपना घर गिन रहा है। अगर दसवां घर मारा है। एक दिन भाई रात ने गणी पी रहा और गणी वार करती। उसकी बीरबानी भी कसूती दुखी होली थी। वो बीरबानी ने भी सोची आज डेढ़ के बीज ना आने दे मैं देखूंगी। और वो गिनता 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 जाकर उसने अपना दरवाजा खटखटाया और भीतर भाई वह तैयार हुई खड़ी थी लठले और भीतर बढ़ते हुए मुड़ा ही मुड़ा मुड़ा ही मुड़ा संगड़ दिया अच्छे मारे मारते उल्टा बाज लिया। ने बोले ओह नाश हो गया भाई गलत घर में पड़ गया। और उल्टा जाकर ठेके पे एक बोतल और ली और पी। यार यह गड़बड़ बनी क्यों कर? फिर अपने खंबे पर दस घर गिन दिए और जाकर फिर अपना खटखटाया। जामते हुआ तो तैयार थी। फिर उन्होंने भीतर बढ़ते रुके फिर लट्ठा गद्दाए गद फिर भर दिया उल्टा है फिर बाज लिया। बोला यार ये आज गलती बड़ी क्यों कर रही है? रात का डेढ़ बाज गया भाई एक बोतल और ले ली डैकी ने और पी गया। पी के ने फिर अपने घर गिणता 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 अपने बरने अग आ गया। और बरने अग खड़ा होकर ने सोचने लग रहा यह गड़बड़ बड़ी क्यों कर रही है? इतनी बार में एक पड़ोसी उठाया बाहर पेशाब करण खातर। उन्हें देखा अगर यार डेढ़ बाज रहे हैं यो आदमी आज बाहर क्यों कर खड़ा है? ने बोला अरे सुरते तू आज बाहर क्यों कर खड़ा है? ने बोला यार बाहर के खड़ा हूं बस अपने खड़ा हूं आज थोड़ी दारू फालतू होगी। ने बोला दारू फालतू होगी तू रोज फालतू पी का वे है चल बोला घर चलना है भीतर। ने बोला ना मैं नहीं जाता अपने घर आज। ने बोला चल मैं छोड़ू। हाँ बोला तू छोड़गा आज चल पड़ूंगा। इबाग आगे तो आदमी हो लिया अरे पचे पचे सुरता हो लिया भीतर जामते हैं उस जो आदमी ने खुड़कुड़ाए कवाड़ अरे कवाड़ खुड़कड़ामते भीतर तो अबीर बनी तैयार अरे उन्हें दे लट्ठा दे लट्ठा दे लट्ठा पड़ोसी की खाल मांग दी। भाई खाल मांगते हैं भाई वो बाहर खड़ा खड़ा सोचे तार डैकी ने दूर ते रुका मारा। ने बोला मार मार गए अच्छे मार मेरा ससुरा हो मन ने भी तीसरे पटवान लाओ था। वह गांव का कसूता सादा बोला बालक था उसका हो गया ब्याह। ब्याह हो गया पर उन्हें न्यू नहीं बेरा सुहागरात ने के होया अगर के हो सुहागरात
उन आपने एक डिब्बी था पूछ बोला भाई सुहाग रात ने के फंड हैर क्यूकर के हिसाब किताब होया कर और उसने उसका दिमाग चकरान खातर रुके जी से लेने खातर ने बोला बोला भाई सुहाग रात ने चल रहा रेल और तुमने चलानी है रेल तू तो इंजन बन जाइए और जो तेरी बहू है ना वह गड्ढे बन जाएगी और सारी रात तुमने रेल चलानी है सोना नहीं है। बोला ठीक है भाई। वो बेचारा सादा बोला था मान गया अपना भाई रात ने रोटी रोटी खा के ना चुबारे में चढ़ गए उड़ा जाके ना भाई वो तो इंजन बन गया और पाछे तो उसने पकड़ लिया कुर्ता और वो होगा डब्बा बन गई और वो तो न्यूकर रेल चाली और पाछे तो वह न्यूकर छुक 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 सारी रात अपने न्यू करे गए भाई तले सारा कुण बस वो दगड़ 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 सारी रात छात बाजी वह नीचे तो महेश एकदम चिंगर गई और उन्हें मारा झटका खूटा पाटका आ गया। इब खूटा पाटका आ गया तो बाबा चिंगरी रही रूप पर रेल चल रही और दबड़ 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 के बाद खूटा न्यून और के बाद न्यून के बाबू का तो फूट गया शर उनकी माँ की टूट की पांसली और जो सारा रोला हो गया ना जो बूढ़े ने ठाक डोगा तले तो रूका मारा ने बोला रहा ओ रेल के ड्राइवर अपनी रेल ने डांट लिया सवारियां के शर फूट लिए।